हेलो गाइस, वेलकम टू मंडे न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, बात करेंगे डीसी अपडेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। तो सबसे पहले संघाई में काफी बड़ा इवेंट हुआ था जिसमें कि बिहाइंड द सीन इमेजेस आप देख रहे हो। देन उसी के साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक चीज कन्फर्म करी कि आपको एवेंजर एंड गेम में लास्ट के जो 8 मिनट होंगे आपके सबसे बड़े 8 मिनट होने वाले हैं, यानी कि वो इतने ज्यादा आपको एक्साइटेड कर देंगे शायद आप थिएटर भी तोड़ सको। उसी के साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर ये बोलते हैं कि एमसीयू में आज तक ऐसी कोई मूवी नहीं बनी जो कि आपको लास्ट में इतनी ज्यादा खुशी देने वाली है। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ये बात खुद कही और उन्होंने बोला कि आपके लिए लाइफ में सबसे 8 मिनट बेस्ट एवेंजर एंड गेम के होने वाले हैं। उसी के साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर यूएसए एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं जो कि रेड कारपेट है, और आपको बता दूं रेड कारपेट 22 तारीख को है यानी कि 22 अप्रैल को, और 26 अप्रैल को ये मूवी रिलीज हो रही है। तो काफी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और सारे एक्टर सब धीरे धीरे अपने घर लौट के फिर तैयारी कर और फिर उसके बाद वो लॉस एंजलिस रेड कारपेट में जाएंगे। उसी के साथ शज़ाम ने डोमेस्टिक में 100 मिलियन कंप्लीट कर लिए अपने, तो काफी अच्छी है। और देन एवेंजर एंड गेम ने अपने टोटल 200 मिलियन पर एड पे खर्च करे हैं। ये हाँ, उन्होंने काफ़ी सारी वीडियो भी प्रमोट करी हैं इसी से रिलेटेड। डायरेक्टर जू रूसो ब्रदर ने एक इमेज डाल के ये बोला कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही एक ऐसा एक्टर थे जिनके पास पूरी स्क्रिप्ट थी। हैनली ने अभी हाल ही में विचर की एक छोटी सी इमेज डाली है जिसमें कि उनके पेट पर काफ़ी बड़ा घाव है, तो ये काफ़ी अच्छा बिहाइंड द सीन इमेजेस था। ओरिजिनल 6 इमेजेस पोस्टर लॉन्च हुआ है एवेंजर एंड गेम का जो कि बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक टाइप का और काफ़ी अच्छा बनाया गया है, तो एक आर्टिस्ट हैं उन्होंने बनाया है। उसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक इमेज डाली स्टार इंटर्नशिप की जो कि टॉम होलैंड के साथ की है। हमारी ब्लीन एंसर फाइनली टॉप 10 और टॉप 100 में आ चुकी हैं टॉप बेस्ट सेलिब्रिटीज़ में टाइम मैगजीन के अंडर। वॉरमाउट में फाइनली काफ़ी सारी जोरों से तैयारी चल रही है एवेंजर एंड गेम से रिलेटिव, तो सारे प्रोडक्ट निकाल के रखे जा रहे हैं जैसा कि आप इमेजेस देख रहे हो। दी एंटरनल्स मूवी में एक एशियन गे कैरेक्टर को रखा गया है। जी हाँ, आपको पहले भी बताया था मैंने ये चीज़। उसी के साथ सजाम में एशलिया को 5 मूवी के कॉन्ट्रैक्ट साइन करे गए हैं, यानी कि सजाम से रिलेटिव अब 5 मूवी आने वाली है इन फ्यूचर। उसी के साथ आपने अगर 10 to 2 देखी मूवी जो कि जोम्बी की काफ़ी बढ़िया मूवी है, उसमें जो ये एक्टर थे उन्हें फाइनली कास्ट कर लिया गया इस मूवी में दी इंटरनल्स। उसके बाद जॉन सीना को फाइनली कास्ट करा गया अभी हाल ही में सुसाइड स्क्वाड 2 में, जैसा कि आप सभी को पता होगा अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करते हो। जोश ब्रोलिन ने अपनी डॉटर्स यानी कि अपनी बेटियों के साथ केक खाते हुए नजर आए जो कि काफ़ी सीन कमाल का लग रहा है। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय, जा रहा हूँ।